हेलो दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो कविता के सीरीज में मैं आप लोगों के बीच एक और कविता लेके आया हूँ, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इस कविता के लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। तो आइए हम देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी जी अपने कविता में क्या मोती पिरोए हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी लिखते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपने कविता को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।